a very warm welcome to all my bacha log. I hope you remember me well. My name is Anubha Gaur, your chemistry master teacher at Vedantu. So my students, kaise chal rahi aap logon ki zindagi and kaise chal rahi aap logon ki padhai? Ye bahut important sawal hai kyunki abhi ka jo time hai, I hope apna aap acche se dhyan rakh rahe ho ताकि आप अच्छे से अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सको. तो प्लीज डू फॉलो द सेम, बिल्कुल कर डाइए, ठीक है. और व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे, एनसीईआरटी सीरीज हमने शुरू की हुई है, ये उसका नेक्स्ट एपिसोड है, एपिसोड नंबर 5. आई होप आपने शुरू के 4 एपिसोड्स ऑलरेडी देख लिए हो. अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लेना. अगर अमंग 2.0 सीरीज के लेक्चर नहीं देखे हैं प्लीज देख लेना, क्योंकि ये एक रिवीजन की तरह है. एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है, इंडेक्स क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम क्या कर रहे हैं, हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल दी क्वेश्चंस, इंडेक्स क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी, कि कैसे अप्रोच करो, कैसे सॉल्यूशन को प्रॉपरली लिखो और रिवीजन करो, ठीक है. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट इट विद योर अनुभा मैम. आज की क्लास में करेंगे पेज नंबर 15 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8. टू मच ऑफ द थिंग्स टू डू. चलो फिर शुरू करते हैं राइट नाउ. कीप योर जोश वेरी हाई एंड स्टे टिल द एंड. बहुत जरूरी है सारे क्वेश्चंस को करना. और अगर वेदांतों का हिस्सा बनना चाहते हो एंड यू रियली वांट टू बिकम अ प्राउड वेदन, तो वेदांतु 9-10 चैनल हैज पिन द मैसेज, उसको क्लिक करो और उस पर जाके वेदांतु के सब्सक्रिप्शन को ले लो. और कोड अप्लाई करना मत भूलना, दैट्स AG Pro अनुभा कौर मैम्स प्रो सब्सक्रिप्शन. एंड अ वेरी बिग एंड अमेजिंग न्यूज इज इन फ्रंट ऑफ यू. अगर आपका भी ड्रीम है कि आप मिस्टर अमिताभ बच्चन सर के साथ हॉट सीट शेयर करो, तो आपका ड्रीम बिल्कुल पूरा हो सकता है, बिकॉज वेदांतु इज द लर्निंग पार्टनर ऑफ KBC 2020 सीजन. क्योंकि वेदांतु एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है, तो सोचा क्यों ना ये किया जाए. आप लोगों को क्या करना है, जस्ट विजिट द वेदांतु ऐप. अगर आपने नहीं की है अब तक तो डाउनलोड कर लो और वहां जाके वीक क्विज प्ले करो फ्रॉम 5th October to 18th October, और आपका ड्रीम भी पूरा हो सकता है. इट्स नॉट अबाउट जस्ट शोकेसिंग योर टैलेंट, और आप भी एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी को ले सकते हो बाय शेयरिंग द हॉट सीट विद मिस्टर अमिताभ बच्चन. सो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एंड डाउनलोड द ऐप नाउ. ओके, अब शुरू कर लेते हैं क्वेश्चंस. तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने फ्रॉम पेज नंबर 14, और क्वेश्चन है ये बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन. तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप मिस कर ही नहीं सकते, और क्वेश्चंस पक्का आएगा. तो हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे आज की क्लास में, मोस्टली रिएक्शन को बैलेंस करना और उसका टाइप ऑफ रिएक्शन डिस्कस करना होगा. और ट्रस्ट मी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एपिसोड है. सबसे पहला वाला है, आई होप आपने बैलेंसिंग का लेक्चर नंबर 2 मार्क 2.0 सीरीज का देखा है. उसी के बेस पे मैं बहुत ज्यादा टाइम उस पे नहीं लगाऊंगी, सीधा रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है. हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करेंगे. पहला पार्ट है, आई हैड हाइड्रोजन गैस और उसको कंबाइन किया है हमने नाइट्रोजन गैस के साथ टू फॉर्म अमोनिया, ठीक है. ये अमोनिया गैस है. आई होप आपको सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज अच्छे से लिखना आता है, वो बहुत जरूरी है. 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, जब भी एक नंबर इवन हो और एक ऑड हो ना, तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. वट एवर नंबर यू आर गोइंग टू गेट, वो दोनों को इक्वल कर सकता है. जैसे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो और 3 को 2 से, तब आपके रिएक्शन बैलेंस हो गए. देखो 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन हाइड्रोजन बैलेंस हो गए. ये एक आसान तरीका है फॉलो करने का. और जब भी आप बैलेंस करते हो, यू विल पुट अ नंबर इन द स्टार्टिंग, होल नंबर लिखते हो, सिंपलेस्ट पॉसिबल होल नंबर. नाइट्रोजन 2 बन गए, ऑलरेडी 2 है, अरे वाह, इतनी आसानी से काम हो गया. 3H2+N2 gives us 2NH3. नेक्स्ट पार्ट, फिर उसको रब कर लेंगे. पूरा डिटेल सॉल्यूशन ऑलरेडी अटैच है फाइल के साथ, व्हेनेवर यू विल डाउनलोड इट आपको सारे के सारे आंसर डिटेल में मिल जाएंगे. हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को बर्न कर रहे हैं हम एयर में, एंड दैट इज गिविंग अस वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है. डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक दूसरे कलर का पेन ले लेते हैं हम. ऑल राइट, हाँ, वन सल्फर बैलेंस्ड, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन बैलेंस, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन बैलेंस, इज इट? नो, 3 ऑक्सीजन है यहाँ. अब सेम बात, 3 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, मैंने आपको बताया क्या करना है,
यहाँ थ्री कर दो, सिक्स ऑक्सीजन हो गए, और यहाँ पे कहीं टू से मल्टीप्लाई करना, बट ये कि अलग तरीके से लिखा है, यहाँ पे टू ऑलरेडी है, अगर मैं यहाँ टू लिख दूं, टू प्लस टू, अब तो बैलेंस नहीं हुआ, फोर हो गए, अब क्या करूं, अगर मैं यहाँ पे टू भी कर दूं, अब देखो टू इंटू टू फोर, टू इंटू वन टू, तो फोर प्लस टू सिक्स ऑक्सीजन इक्वल, थ्री इंटू टू सिक्स ऑक्सीजन इक्वल, समझ आया क्या किया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोच है, ध्यान रखना इसको। अब हाइड्रोजन देखो, फोर हाइड्रोजन, तो मैं यहाँ इसको टू से मल्टीप्लाई कर दूं, हाइड्रोजन भी इक्वल हो गए, टू सल्फर, टू सल्फर, सल्फर भी इक्वल हो गए, तो करेक्ट बैलेंसिंग इज टू थ्री टू टू। ठीक है, ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करने का ट्राई करना, और मैंने लास्ट में किया क्योंकि हाइड्रोजन और सल्फर ऑलरेडी मुझे बैलेंस लग रहे थे, और ऑक्सीजन को इस तरीके से अप्रोच करने से पूरा बैलेंस हो गया। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन, बेरिलियम क्लोराइड रिएक्टिंग विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड बेरिलियम सल्फेट। इस स्लाइड पे लिख लेते हैं, बेरिलियम क्लोराइड विद एल्यूमिनियम सल्फेट, ये एल्यूमिनियम सल्फेट है, वैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई किया है हमने, और क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट विद एल्यूमिनियम क्लोराइड। चलो फिर बैलेंस करते हैं, डिफरेंट कलर ले लेते हैं टू गेट द प्रॉपर कोफिशिएंट, आसान लगे जो मुझे देखने में भी। वन बेरियम बैलेंस, जब भी कोई पॉलीएटॉमिक आयन जैसे यहाँ सल्फेट है सेम तरीके से लिखा हो तो उसको कभी भी सेपरेट मत करो सल्फर एंड ऑक्सीजन में, इस पूरे को एक ही कंसिडर कर लो, पॉलीएटॉमिक जो आयन है मेरा मैंने उसको एक ही सब्सटेंस कंसिडर कर लिया और उसको वैसे ही बैलेंस करूंगे। थ्री सल्फेट वन सल्फेट, तो अगर मैं यहाँ थ्री लिखूँ सल्फेट बैलेंस हो गए, वेल डन। टू एल्यूमिनियम, अगर मैं टू एल्यूमिनियम लिखूँ बैलेंस हो गए, वेल डन। बट क्लोरीन बन गया सिक्स, तो यहाँ पे करना पड़ेगा थ्री क्लोरीन सिक्स बैलेंस, थ्री बेरिलियम, थ्री बेरिलियम बैलेंस, थ्री बेरिलियम, थ्री बेरिलियम, थ्री सल्फेट, टू एल्यूमिनियम, टू एल्यूमिनियम, सिक्स क्लोरीन बैलेंस। ठीक है, आसान था, बिल्कुल मैम आसान था और समझ भी आया। डी पार्ट भी कर लेते, पोटेशियम रिएक्टिंग विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, अगेन बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है, जरा डिस्कस करके देखते हैं और आपको इजी ही लगेगा। हमने क्या किया है, पोटेशियम के पीस को वाटर में डाल दिया, बहुत ही एग्रेसिव रिएक्शन होती है, और हमें मिला, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सिंप्लीफाई करने के लिए, HOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विद हाइड्रोजन गैस। ठीक है, के ने रिएक्ट किया OH के साथ और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई, तो अभी बैलेंस करना, ये टू होना चाहिए, मतलब इस पूरी की पूरी रिएक्शन को मैं टू से मल्टीप्लाई करूँ, हाइड्रोजन बन गया बैलेंस। अब टू OH हो गए तो पोटेशियम भी टू होने चाहिए ताकि टू के टू OH मिलके मुझे दे दे टू के OH। बात समझ में आई, तो रिएक्शन कैसे बैलेंस हुई आपके सामने है, हमने किया टू के एंड टू एच टू ओ टू गेट टू के OH एंड ओनली वन एच टू, बैलेंस बैलेंस, क्लियर क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, देखो सोल्यूशन आपके सामने भी है, तो ये तो वंडरफुल वाली बात हो गई। ठीक है, एक और है बैलेंसिंग बैलेंसिंग, HNO3 इज रिएक्टिंग विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू गिव कैल्शियम नाइट्रेट एंड वाटर, तो जैसे मैंने बताया HNO3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर OH दिखे और अगर वाटर भी है तो वाटर को आप सेपरेट करके लिख सकते हो, दैट्स HOH। ठीक है, तो नाइट्रेट मुझे क्या दिख रहा है, नाइट्रेट मुझे दो दिख रहे हैं, तो मैं क्या करूं, यहाँ दो लिख दूं, टू नाइट्रेट बैलेंस, बताया था पॉलीएटॉमिक आयन को एक साथ कंसिडर करना, टू हाइड्रोजन एंड टू OH कैन गिव यू टू मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, टू एच टू OH, तो ये टू मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, तो ये भी बैलेंस हो गए, कैल्शियम एक ही है, बैलेंस हो गया ऑलरेडी, ये जरा जो साइन है वो ये है। ठीक है, यानी कि टू एच एन ओ थ्री विद वन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिविंग यू कैल्शियम नाइट्रेट विद टू मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, रिएक्शन बिकेम बैलेंस, वेरी वंडरफुल वेरी वंडरफुल। लेट्स मूव टू बी पार्ट नाउ, और बी पार्ट को कैसे बैलेंस करेंगे अभी देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है ये तो, NaOH विद H2SO4 हमें दे रहा है Na2SO4 और H2O, उसको HOH करके सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो क्योंकि OH है यहाँ पे, 2 Na आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, Na2, Na2, एक ही SO4 है, एक ही SO4 है, बैलेंस हो गया, दो हाइड्रोजन एंड दो ही OH, 2H
with 2OH, 2 molecule of HOH, 2 molecule of water. यानी कि ये जो है ये 2 हो गए और reaction हो गई balance. Easy peasy lemon squeezy. I hope you are finding the same. NaCl को react कराया silver nitrate के साथ to give AgCl and NaNO3. The best part and sad part is इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है. Reaction already balance है. 1 Na, 1 Na, 1 Cl, 1 Cl, 1 Ag, 1 Ag, 1 NO3, 1 NO3. So this reaction is already balanced. इसको यहीं पे balance कर ले, ठीक है. 1 barium, 1 barium, 1 barium, 2 chlorine, 1 chlorine. यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं, 2 chlorine हो गया. और 2 hydrogen हो गया, 2 hydrogen balance, 1 sulfate, 1 sulfate balance. अब balance हो गया, सिर्फ एक छोटा सा चेंज था, 2HCl हमें लेना है. तो 1BaCl2 with 1H2SO4 is giving me 1 barium sulfate with 2 molecule of HCl. आसान है, बहुत आसान है. I hope समझ भी आ रहा है, solution भी आपके सामने है. अब जल्दी से मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अरे वाह, कितनी बैलेंसिंग करवाओगे. राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन. अब की बार आपको वर्ड इक्वेशन दिए, मतलब आपको प्रॉपर फॉर्मूला लिखना आना चाहिए, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी. अगर फॉर्मूला गलत लिखा तो बैलेंसिंग सही कैसे होगी, ठीक है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद CO2 इज गिविंग कैल्शियम कार्बोनेट विद वाटर. 1 Ca, 1 Ca, ओके. CO3, तो ये CO2 यहाँ से उठाया और ये जो OH OH थे, अब यहाँ से एक ऑक्सीजन को गायब कर दो, ठीक है. ये CaCO3 बन गया. अब बचा क्या, 1 hydrogen and 1 OH HOH, यानी कि 1 molecule of water. रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है. CaOH twice whenever from lime water we pass कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ये रिएक्शन वही है टू गिव कैल्शियम कार्बोनेट. लाइम वाटर टर्न्स मिलकी, ये उसकी वजह से ये कैल्शियम कार्बोनेट और ये वाटर वेपर्स हैं जो एटमॉस्फेयर में भी जा सकते हैं, ठीक है. जिंक विद सिल्वर नाइट्रेट, जिंक विद सिल्वर नाइट्रेट इज गिविंग मी जिंक नाइट्रेट. ये होता है फॉर्मूला. फॉर्मूला सही लिखोगे तभी प्रॉब्लम सही होगी. दिस इज अ रिएक्शन ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट. जिंक मोर रिएक्टिव है और वो सिल्वर को डिस्प्लेस कर रहा है. 2 nitrate, तो ये 2 nitrate होना चाहिए और जिंक के साथ कंबाइन कर गया 2 Ag, तो 2 Ag होना चाहिए और मैंने उसको ये दिखा दिया आपके सामने. दैट इज बैलेंस रिएक्शन. नाउ नेक्स्ट है एल्यूमिनियम, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं. विद कॉपर क्लोराइड इज गिविंग मी एल्यूमिनियम क्लोराइड विद कॉपर. अगेन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट. एल्यूमिनियम बींग मोर रिएक्टिव, वो क्या कर रहा है, वो मेरे कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है. तो AlCl3, ये तो 2 है, वही उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो अगर बैलेंस करना है. 3 into 2, और जहां पे 3 है उसको 2 से कर दो, रिएक्शन बैलेंस हो जाती है एटलीस्ट उस टर्म में. तो क्लोरीन बैलेंस हो गए. अब 3 copper, 3 copper और मेरे क्लोरीन हो गए 6. यहाँ पे क्लोरीन 6 है, हो गया 2 aluminium, 2 aluminium बैलेंस. 2 aluminium with 3 copper chloride giving me 2 aluminium chloride and 3 copper. Reaction हो गया balanced. अब last की बात कर लेते हैं. Barium chloride, ये मैं rub कर देती हूँ थोड़ा सा ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ, ठीक है. चिंता नहीं मैम, आपने rub कर दिया, पूरे के पूरे solutions attach हैं. Barium chloride with potassium sulfate is giving me barium sulfate with potassium chloride. 1 barium, 1 barium, super balanced. 2 chlorine, तो यहाँ पे 2 लगा दो, potassium बन गया 2 साथ में, जो कि already है, sulfate भी balance है. 1 barium, 1 barium, 1 sulfate, 1 sulfate, 2 potassium, 2 potassium, 2 chlorine, 2 chlorine, reaction हो गया balance. तो हिट एंड ट्रायल मेथड है. यू जस्ट हिटिंग विद अ नॉर्मल नंबर इन योर माइंड और आप उसको अप्लाई करके देखते हो. एग्जाम में प्रॉपर टेबल भी बनाना पड़ सकता है. ये देखो सारे सॉल्यूशन अटैच हैं आपके सामने. उफ, एक और क्वेश्चन, पेज नंबर 15 का एक्सरसाइज नंबर 8, मतलब 8th क्वेश्चन है. अब एक और काम बढ़ा दिया इन्होंने. राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पक्का पक्का आता है. तो मेरे पास है पोटाशियम ब्रोमाइड एंड बेरियम आयोडाइड. अगेन फॉर्मूला, बेरियम का वैलेंसी 2 होता है, आपको आना चाहिए. पोटाशियम आयोडाइड बना और साथ में बना बेरियम ब्रोमाइड. ये कौन सा रिएक्शन, हमेशा याद रखना, जब भी आप लेते हो 2 एक्वस सॉल्यूशन और उनको मिक्स कर दो
और वो अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं, वो रिएक्शन होती है आरडीडी रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अभी देखो बेरियम ब्रोमाइड के आगे लिखा एस सॉलिड, मतलब कि ये सॉलिड प्रेसिपिटेट बना के सेटल डाउन हो जाते हैं और इसीलिए बेरियम ब्रोमाइड एक प्रेसिपिटेट है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट का कौन सा रिएक्शन है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। दो टाइप की होती है, या तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन तब होता है जब एसिड और बेस अपने आयॉन्स एक्सचेंज करते हैं, जो पॉसिबिलिटी यहाँ नहीं है। ठीक है, तो बैलेंस कर सकते हैं हम 1K 1K, 2 iodine 2 iodine, यहाँ पे 2 करना पड़ेगा तो यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा। पोटेशियम बैलेंस हो गए, आयोडीन बैलेंस हो गए, ब्रोमीन 2 ब्रोमीन भी 2 हो गए, 1 barium 1 barium रिएक्शन हो गया बैलेंस। आई होप समझ आया, कोई मुश्किल तो नहीं था। नेक्स्ट है जिंक कार्बोनेट, एक सिंगल सब्सटेंस था और इसने क्या किया, अपने आप को ब्रेक कर लिया। आई थिंक आप देख सकते हो, जिंक कार्बोनेट वॉज अ सिंगल सब्सटेंस, उसने ब्रेक किया खुद को जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो डेफिनेटली सिंगल सब्सटेंस ब्रेकिंग डाउन रिएक्शन इज डीकॉम्पोजिशन। और कौन सा डीकॉम्पोजिशन है? थर्मल डीकॉम्पोजिशन। जैसे आप मेटल कार्बोनेट्स को हीट करते हो, दे कैन डीकम्पोज। सो थर्मल डीकॉम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ हीट, दे एब्जॉर्ब इट एंड डीकॉम्पोजिशन होता है। नेक्स्ट है बैलेंस, ऑलरेडी है रिएक्शन, 3 oxygen 1 carbon 1 zinc, जिंक 1 carbon 3 oxygen बैलेंस्ड। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिविंग यू हाइड्रोजन क्लोराइड, पहले बैलेंस कर लेते हैं, 2HCl इतना ही काम था। टू आर मोर रिएक्टेंट्स व्हेनेवर कंबाइन टू गिव अ सिंगल सब्सटेंस, दैट्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये हो गया मेरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बहुत ही इजी। अब डी पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं, व्हाई टू वेट। मैग्नीशियम को हमने रिएक्ट कराया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, मैग्नीशियम विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। ये रिएक्शन है योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ओनली, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ओनली। मैग्नीशियम बीइंग मोर रिएक्टिव समहाउ इज डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन और आपको मिलता है मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन हैज टू बी अ लोनर, बेचारा अकेला हो जाएगा। तो दो क्लोरीन चाहिए, दो हाइड्रोजन, यहाँ पे 2HCl कर दो, वी गॉट माई MgCl2NH2। ये रिएक्शन हो गई डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आई होप सारी रिएक्शन समझ ली। आज की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट थी, हमने सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन बैलेंसिंग मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर कर लिया है। Isn't it like an awesome thing? Yeah, students? तो वीक विल प्ले करना मत भूलना, फ्रॉम 5th October टू 18th October। इफ यू वॉन्ट टू शेयर अ सीट विद मिस्टर अमिताभ बच्चन, और अगर आप भी उस हॉट सीट पे आना चाहते हो, वेदांतो 19th ने जो मैसेज पिन किया है, लिंक पिन किया है, वहां जाके अपना डेफिनेटली अपना पेड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो। और पहले अपनी ग्रेड सेलेक्ट करनी है, टारगेट सेलेक्ट करना है, एंड देन यू हैव टू टेक द सब्सक्रिप्शन और 1 month, 3 months and 6 months पे से चूज कर सकते हो। द बेस्ट वन विल बी 6 months, क्योंकि आप MRP पे 43% सेव कर सकते हो एंड यू जस्ट हैव टू पे 1533 रुपीज पर मंथ। 1 month and 3 months मोर ऑफ लाइक अ ट्रायल। बेस्ट कौन सा होगा? उसके बाद 3 months, क्योंकि यू जस्ट हैव टू पे 1866 और 31% यू कैन सेव ऑन MRP। और 1 month के लिए 20% पहले नहीं था, यू जस्ट हैव टू पे 2159। कम एंड सी हाउ वेदांतु इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई द कोड AGPRO, क्योंकि यही कोड है जो आपको ये 20, 33, 43% डिस्काउंट दे रहा है। AGPRO अनुभव गौर बाग। आई होप यू लाइक द वीडियो, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो बिल्कुल नहीं भूलना है दैट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल वेदांतु 19 चैनल, क्योंकि आपने इसको इतना यू नो हिट बनाया है। डू रीच आउट टू मी इन केस ऑफ एनी क्वेरी। आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ स्टूडेंट्स। बाय बाय, थैंक यू।